लाल परी है, साबित वो समा जो खुद तो जली जाएगी और जो पास आया वो परवाना भी खाक हो जाएगा। डर गए? जाने दीजिए, आज हम आपको सुनाते हैं एक छोटे से शहर के पुराने घर की एक टेढ़ी मेढ़ी कहानी। जहां रहती थी भोली भाली सुंदर सी लड़की, नाम था लल्लू। ना कोई पुचकारने वाला, बचपन से अनाथ थी, पर कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भूत होता है। परवाना गाए गाना है इश्क या जुर्माना, होता है उसका कबाड़ा जिस जिसने दिल ये छाड़ा। जिस मिली ये फितरत है, गिरी बड़ी सी किस्मत है। जब चढ़ता लव का भूत, गड़बड़ करता लव का भूत, धक-धक करता लव का भूत। आज बाराम किशोर हमारे शहर का वर्ल्ड फेमस गायक। अरे वन हिट वंडर, वन हिट मिस सरेंडर। बेचारा मरते वक्त उसकी आत्मा फोन में चिपक के रह गई। लल्लो के माँ बाप तो उसे बचपन में अल्लाह हाफिज कर गए थे। और पता है लल्लो और आत्मा पहली बार कहाँ मिले? यही शमशान में। बड़े म्यूजिकल है, गाना बजता है और आत्मा प्रकट हो जाती है। जब जब चढ़ता लपका भूत, ठेंगा देता लपका भूत, मेंढक जैसा लपका भूत। एक बात और, ये घोस्ट आत्माराम सिवाय लल्लो के और किसी को नहीं दिखता। लल्लो के और भी दो पड़ोसी दोस्त हैं, सुहानी पार्लर वाली और पार्लर की मालकिन के पुत्र प्रताप। लल्लो मैडम, मिशन अकम्प्लिश, ये रहा आपका पहचान पत्र। शुक्रिया प्रताप। अरे सीधे हाथ से दीजिए ना। अटक जाती है कंप्यूटर पर लल्लो तो प्रताप ही काम आते हैं, पर साथ में बैठकर चाय पीने में दोनों ही हिचकिचाते हैं। प्रताप जी, चाय तो पी के जाइए। फिर कभी, फ्यूचर इज वेटिंग फॉर मी। अभी और ये रहे हम, एंगल थोड़ा अजब है इसलिए अजीब से लग रहे हैं। एक तो पैरालिसिस, ऊपर से दमे की बीमारी। लेकिन प्राण जाए पर फैशन ना जाए, आईब्रो तो हम कराकर ही दम लेंगे। नीचे आंटी जी का पार्लर है ना, बस वहीं से सुहानी को बुला लेते हैं। चेक कर लो बहू जी, नीचे जाके पार्लर भी खोलना है ना। आंटी जी पकड़ आईना देखने वाले देखा तूने, आईना देखा है तुझे हैरा होकर। वाह। अभी साहब होते ना तो कहते, खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी। मुझे रेला की मखमली परत मुंह में आते ही उसकी आंखें बंद हो गई और जब खुली तो उसके सामने मुस्कुराता उसका प्यार, गालों को हाथों से थामे उसे एकटक देखे जा रहा। आज तो लल्लो का रंग देखते ही बनता है भाई, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी पसंदीदा किताब ख्वाबों की कश्ती की तरह इनकी किस्मत का भी पासा पलटने वाला है। आए हैं। पता है आत्मा, सुहानी के कितने बॉयफ्रेंड हैं? और हम बाय तो छोड़ो, आज तक किसी को हाय तक नहीं कहे। बुरा लगा? सॉरी।
हम देखने में ज्यादा सुंदर। अरे बहू जी आप तो आज भी इतनी कमाल है। चाय आ गई, कसम से चाय के बगैर तो हमारी आंख ही ना खुले। बहू जी वो अकाउंट में लिखा देना पैसे। बहू जी वो पैसे मांगती रहती। बहू जी का अकाउंट रखने लगे तो हो गया। जानती हो लल्लू हमारे अब्बा को वैसे पर्सनली। लल्लू की किस्मत का क्या कहें, एक तरफ भूत पिशाच का साथ है और दूसरी तरफ हम बीमार का। हमने तो भाई लल्लू को कई बार कहा कि कब तक अकेली रहोगी, और नहीं तो कम से कम कोई गुलफाम ही ढूंढ लो अपने लिए। जाने क्या किस्मत में लिखा के लाई है। वो तो भला है लल्लू को किताबों का और कहानियों का शौक है, कल्पना में असल जिंदगी से थोड़ी सी राहत तो मिल ही जाती है ना। 2 घंटे गांव में कोई मेला लगा है जिसके लिए 2 घंटे बाहर जाना पड़ रहा है, जरा हमें भी बताओ। ले फिर से दतिया फाड़न लगी। हमें तो लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत का साया चढ़ गया। हमें मिल जाए ना तो हम तो उसके चिमटा से उसकी नाक को मसोड़ दें, कान को संडासी से पकड़ के खींच लें और गरम कढ़ाई में, तेल के कढ़ाई में हम उसे डाल दें और टुंडे के कबाब की तरह उसे तल दें। जी वो आज हमारी सालगिरह है। अरे तुम्हें मालूम है ना कि 10 मिनट से ज्यादा तुम्हारे बगैर रहे नहीं, तो फिर ये 2 घंटे का है के लिए। और जी वो आज हमने 30 का पाला छुआ है ना, तो हम इसलिए थोड़ी देर नहीं के लिए। जाना तो नहीं जाना, हमने जो कहना था उसको कह दिया। 30 का पाला छुआ है तो कोई मेडल हासिल कर लिया है क्या? 30 का पाला लगा ले। फिर से खुल गई तुम्हारी सिंटेक्स की टंकी। अच्छा जरा इधर आओ, बात सुनो। ललिया हम तुमसे कुछ कह रहे हैं। लल्ली घोड़ी इधर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। तुम्हें क्या लगता है हमारे पैरों को लकवा लग गया है तो क्या दिल को भी लग गया है? ऐसे ही नहीं हम सजे धजे बैठे। हम तो कल ही सुहानी को कह दिए थे केक के लिए। ये देखो कैसा लगा शबाब को हमारा कबाब का केक। बहुत अच्छा है कबाब के। जीती रहो जीती रहो। अच्छा है हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला ही दियो क्यों? अब हम कोई रोज थोड़ा तला बुना खाते हैं। अच्छा इधर तो आओ, ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। ये तो आपकी इतर कलेक्शन में से है, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी तुम्हें ही जरूरत है। जवानी में जब कलियां हैं तो उन्हें महकना पड़ता है। ये दिलीप साहब ने हमें बड़े प्यार से दी थी। अल्लाह करे तुम पर इतर हमेशा प्यार बरसाता रहे। तुम सावन भादो महको दूधो नाओ पूतो फलो। अब कितनी दुआएं दें, केक काटोगी खिलाओगी हमें या बस ऐसे ही मुंह दिखाई करके चली जाओगी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ललिया, हैप्पी बर्थडे। लल्लू को भी हमारे दिलीप साहब ही लाए थे। सबकी मदद करने का बड़ा शौक था उनको, बड़े नेक इंसान थे बेचारे। बस दूसरा शौक हमारी समझ के बाहर ही रहता, वो था मुर्दा कीट पतंगे जमा करने का शौक। अल्लाह जाने क्या करते थे, क्यों करते थे। अब शौक तो शौक ही है। आत्मा तुम तो कुछ 26-27 के रहे होगे ना तब, और हमें देखो तुम्हारे सामने ही 20 से 30 पे पहुंच गए और तुम वही 27 के 27 पे डोल रहे हो। बढ़िया किस्मत पाई है, ना बुढ़ापा आता है ना जवानी जाती है। कैसी लग रही हो आत्मा? लल्लू असल जिंदगी में किताबें और किताबों में असल जिंदगी को तलाशती रहती है। बस जो किताब में लिखा है वही करना है। मसलन किताब में लिखा था 30 तो ये हो गई 30 पे तैयार। किताब में जगह थी मखनऊ तो ये मखनऊ चल दी।
नमस्ते मैम, मैकनाओ में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक मोजरेला चीज, क्रोसेंट। क्रोसेंट नहीं मैम, क्रोसेंट, क्रोसेंट। हाँ वही वही। कैसे लग रहे हैं आप? कहते तुम्हारे हुस्न का हुक्का न जाने कब का गुल हो गया बेगम, ये हम ही हैं जो गुड़गुड़ाए चले जा रहे। याद है वो गजल, मोहब्बत करने वाले हम ना होंगे। अरे ये दोनों कलमों ही बार बार फ्रेम में आ जाते हैं। तेरी महफिल, आप आई ना थोड़ा सा नजदीक, चलिए हमें खिसकते हैं। तेरी महफिल में लेकिन हम जैसा मैंने सोचा था। एक्सक्यूज मी, अपना एड्रेस इस कुर्सी पे चिपकाए दें। थैंक यू। आप एरिया पिन कोड 226003 में रहती है ना? हाँ, यस। बाय द वे, माय सेल्फ बीरेंद्र मिश्रा, करेंटली पोस्टेड इन जीपीओ। बहुत भूख लगी है। वाह, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उसे बर्गर खाते देख मेरी भूख शांत हो गई और मेरा चीज क्रोसांट ठंडा ही रह गया। क्या किस्मत ने उसे मेरे समक्ष रख खड़ा किया है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इस सवाल का जवाब मेरे प्यार की हर गुत्थी को सुलझा सकता है। मिश्रा जी, कुसुम जी, कुसुम जी, आप आई, बाहर आई। बाहर कहाँ, हम तो आपको अंदर ही ढूंढ रहे थे। अंदर कहाँ, दिल में। 30वें जन्मदिन पे लल्लो को तो गुलफाम नहीं मिला, लेकिन हमारा जनाजा जरूर उठ गया। हाय अल्लाह, तौबा तौबा, ये दोनों किस्मत रहमत फिर से आ गए अपना फेवरेट जामनी चोगा पहन करके। देखो देखो, ले लिया ना गिद्दो, क्या सारा ही नोच खाओगी? मैं के लिए तो केयर टेकर रखी हुई है, धूल देखो घर में कितनी है। जी, बहुत धूल हो रखी है। अरे आ, प्रेम गुंजन, हमार चिकन छेला। देखो आपके सिर में मौत मंडा रही है। हमारे दिलीप साहब के भांजे हैं ये, लल्लो के अलावा हमारे एक ही शुभ चिंतक है, एक ही हमदर्द। ये कूल है तो हमारी बहने नामाकूल। परे हट, बदनसीब कहीं की, पहले तो अपने माँ बाप को खा गई और फिर इसमत आपा को भी खा गई। चाय तो तूने जबरदस्त बनाई है चिपकू। ए, नाम क्या तेरा? वही जो 10 साल से लल्लो। लल्लो यही है पार्लर वाली आंटी, सारे दिन सर पे रोलर लगा के घूमती है। सुहानी को देखा? वो नीचे ही। आज पार्लर को बंद ही रहने दो, पर दिल की सच्ची है। ए लल्लो, इसमत आपा की पासबुक किधर है? ए बी की वो भी खा गई तुम। चल चल, पोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। ऐसे कौन बात करता है? जब से तब से फ्री फंड में काम कर रही है। सब मेरी बात नहीं सुन रही। मुर्दों के लिए गाना गा रहे हैं जनाब। मरने के बाद में गाने सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता बदमाश। तू मेरी जान, मेरा अरमान तू ही है। बादल में
मेरा आसमां तू ही है, झूमे तन भीगे मन बिन बरसात साथी रे, महफिले दिल बेकरार है आजा तेरा इंतजार है, 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 है तू मेरी जान मेरा अरमान तू ही है। अरे आइए आइए भाई, पापा वकील साहब आ गए। अच्छी आदत है। आई जस्ट हैव वन विश कि तुम्हारा भी घर बस जाए और हमारे बेटे प्रताप का भी। इनका क्या करें, बड़ी चालू है, जिससे देखो प्रताप का रिश्ता जोड़ती रहती है। हमारी दिवंगत डॉक्टर लॉ ने ये एक हैंडमेड फूड रेसिपी की डायरी रख छोड़ी है, सो ब्यूटीफुल। तुरंत जादू जैसा असर होगा प्रताप पे, फौरन तुम्हारे पल्लू में बन जाएगा। लेकिन आई एम टेलिंग यू, अब ये तुम्हारी हवा दे। बहू जी का कोई भी नहीं था तुम्हारे सेवा, और उनके जाते से ही सब उनके रिश्तेदार बन बैठे, लेकिन तुम कहाँ चली? पता नहीं। कुछ दिन के लिए तुम हमारे यहाँ बसेरा डाल लो, ठीक है? जब तक कि कोई रोमांटिक, मेरा मतलब है कि टनाटन जगह ना मिल जाए। कई बार गुजरे हैं हम इन सीढ़ियों की गलियों से, मगर आपसे रूबरू नहीं हो पाए, ऐसा क्यों? इन सीढ़ियों का भोकाल भी तो देखिए कि आप यहाँ आते जाते हैं और हमें पता तक नहीं। वाह क्या बात है, हम मतलब हमारा नाम प्रेम गुंजन है। और मैं सुहानी। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं दे। बड़ी छोटी दोनों चाचियां बहुत नाराज हैं, पता है क्यों? क्योंकि बहू जी ये घर तुम्हारे नाम कर गई है चिपकू। लॉयर ऊपर बैठा है, तुम्हारा आईडी कार्ड लगेगा, है ना? देखा, हम नहीं कहते थे तुम्हारी किस्मत इतनी भी फालतू नहीं, तो पार्टी चाहिए हमें। आपकी पार्टी तो हम पे उधार रही, कार्ड रख लीजिए हमारा, तुम भी रख लो। ये ऊपर जो लॉयर बैठा है ना, उसके लिए जाओ, वेट कर रहा है। उस लल्लू क्या करते थे, बोल रही हूँ मैं, उसी ने कबाब खिलाए थे सुबह सुबह। अरे अस्थमा पैरालिसिस, शुगर भी थी आपा को, और उस पे से इसने कबाब खिला दिया, बस शुगर बढ़ गई होगी। ब्रेन हेमरेज। गुरु शक्ल से ना बड़ी मासूम दिखती है, मगर बहुत पहुंची हुई चीज है। कह रहे हैं हाँ, सिहाए बेचारी इसमत आपा, हम आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए उनके, नहीं कर पाए। आप चिंता ना करें, आपका केस हमारा बहुत ही होनहार काबिल नौजवान ब्योमकेश बक्सी ऑफ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। ये हैंडल करेगा विक्रम सर, ये इनका केस तुम हैंडल करोगे। भाई विक्रम, इन्हें घूर घूर के मत देखो, ये मुजरिम नहीं है, इन्होंने इंक्वायरी डाली है अपनी बहू जी की केयर तक। सर विक्रम कमल आज सीएल लिए हुए हैं, कल से ड्यूटी बजाएंगे। हम न कहते थे लल्लो हाथों की लकीरों पे मत जा, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते।
आपका ख्याल रखेंगे। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। हम तो किसी को फोन भी नहीं कर सकते। पता है आजकल तो रद्दी वाले के पास भी टच स्क्रीन है। ये किताब कितने की है? यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध है, केवल शरीफ जन ही आवेदन करें। बहू जी का कमरा तो किराए पे लगा रहे हैं, लेकिन किराएदार कॉन्टैक्ट कैसे करेगा? लाइन तो है लेकिन चाची फोन लेके चली गई। अब फोन कहाँ से लाएं? आत्मा तुम्हें पूरा यकीन है यहाँ कुछ मिलेगा? 5-6 साल पहले बहू जी ने यहाँ सफाई करवाई थी, शायद फोन भी रखवाया था यहीं कहीं। मिल गया। लाल परी और प्रचलित कहानियां भाग सात। होल्डिंग वाली किताब। आत्मा ये कितना खूबसूरत है। नहीं प्रेम कभी चलन से बाहर नहीं होता, मगर कहानियां हो जाती हैं। तो इस अप्रचलित कहानी भाग सात में हम एक बहुत प्राचीन समय की कहानी जानेंगे, जिसमें प्रेमिका के प्रेम की कसौटी मौत है। ये एक ऐसे समय की कहानी है जब राजा रानी के अलावा नगर वधू का भी अपना एक अलग स्थान हुआ करता था। उसके सम्मान में राजा क्या कई राज्य कुर्बान हो जाते थे। बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? पता है लाल परी कौन थी? एक बहुत सुंदर वेश्या जिसका असली नाम था सोक सुंदरी। उसका एक मुंह डाकू पे दिल आ गया। सोक सुंदरी उसके प्रेम में सब धन ऐश्वर्य छोड़कर उसके साथ जंगल जाने की सोचने लगी, पर डाकू को तो बस उसके धन का लोभ था। Yeah.
अशोक सुंदरी ने डाकू को पहाड़ से धक्का देके मार दिया और उसे अकेलेपन का अभिशाप मिला। जो कोई भी उसके पास आना चाहता वो जीवित नहीं बचता था। किस्मत की मारी लाल परी, कितनी अकेली होगी ना आत्मा। खाना पकाने के नायाब तरीके। ये प्रताप जी की पत्नी तो बड़ी सलीके वाली लगती है। भिंडी और मछली का शोरबा, दाल लेमन सोडा, चावल की बर्फी। तुरंत जादू जैसा असर होगा प्रताप पे। सरला मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। आत्मा, ये शोरबे में प्याज डालना है? मैकनाओ में लल्लू ने देख लिया था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से भी होके जाता है और प्रताप के पेट का रास्ता सरला की किताब थी। अब दुजहा प्रताप को क्या पता अकेलेपन की मारी हमारी लल्लो सच्चे प्यार की खोज में क्या क्या खिचड़ी पका रही है। सरला, मांस में गुड़ की चाशनी और भुने हुए तिल लड्डू बनाने का चकाचक तरीका। प्रताप जी, वो कुछ अलग तरह का खाना ट्राई कर रहे हैं, एक दो घंटे में तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो रात को खाने पे आ सकते हैं। 1900 आवर्स चेक इन एट लल्लूज हाउस। तो भाई सर पे छत आ गई, गुल्लक फूट गया, खाना भी हो गया तैयार, लेकिन क्या लल्लू के अकेले दिल का इलाज हो पाएगा? कोल्ड कॉफी और धनिये का सूप। ये मेरी स्वर्गवासी अर्धांगनी सरला बिल्कुल तुम्हारे शरीर का खाना बनाती थी, लेकिन खा खा के इसका पेट भरभरा के फटे रहा और वो शटडाउन हो गए। माँ और तुम पार्लर तो संभाली लोगी, मैं तुम्हें सरला कहूंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? जानती हो, हर प्रताप को एक सरला की जरूरत होती है और हर सरला को प्रताप। प्रताप जी, हम आपके पीने के लिए कुछ ले आते। मेरा अरमां तू ही है, बादल में मेरा आसमां तू ही है। झूमे तन भीगे मन बिन बरस
साथ साथी रे महफिले दिल बेकरार है आजा तेरा इंतजार है है तू मेरी जान मेरा अरमान तू ही है आसमान से गिरी और आंटी जी हमने कुछ नहीं किया हमने कुछ नहीं किया आंटी जी हमने देखा कि प्रताप का दम घुटने लगा था हमने दौड़कर उसकी सांस लाने की कोशिश की हमें लगा उसके गले में कुछ फंस गया उसके लिए फिर भाग और वो भाग भी बाहर आ रहा था तो फिर हमने दुपट्टे से उसे रोकने की कोशिश की मगर हमने कुछ गलत नहीं किया आंटी जी हमने कुछ नहीं किया आंटी जी आंटी जी तफरी हो रही है हुँ? या वैष्णो का धाबा ये क्या हल्ला मचा रखा है हमारे पुलिस स्टेशन में डेथ मेटल है सर डेथ का मौत से लोहा लेना है सर ओ अच्छा अच्छा मौत लोहा डेथ मेटल अरे वाह कमल जी क्या कमाल जोड़ बिठाया हाँ कमल कमाल कमल कमाल हमने भी जोड़ दिया गुरु एक बात बताओ तुम्हारे रिपोर्ट में तुमने लिखा कि प्रताप की मृत्यु सांस रुकने से हुई लेकिन सांस रोका कौन लोमड़ी के वो मछली का कांटा या कोई और वो केयर टेकर को एम्बुलेंस बुलाने के लिए घर के बाहर क्या जाने की जरूरत थी फोन करने जब घर में ही टेलीफोन लाइन मौजूद है तो वो पीसीओ तक जाने और एम्बुलेंस बुलाने ये सारी चीजों में वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत थी मैं तो कहता हूं केयर टेकर फोन छुपा के खुद ही प्रताप का गला घोंट दी सॉरी सर तो क्या फिर घर भर का जुगाड़ हुआ कि नहीं जो घर में रहने वाले लोग हैं और जो यहाँ आते जाते रहते हैं उनके बारे में लल्लो बड़ी सीधी है बेचारी 20 साल की थी जब बड़े साहब उसे यहाँ ले आए थे काम के लिए तो वैसे
अकेली है। वैसे आप सिंगल हैं? वो कमरा, वो प्रताप तो यही हॉल में है। नहीं नहीं, ये नहीं, किराएदार। ओह अच्छा, आप किराएदार। चाय पियेंगे? दूध नहीं है, काली चाय मिल पाएगी। फोन कनेक्शन कल ही हुआ है, और फोन नया है, मतलब कमरे में नया लगाया है, बहुत पुराना, बहू जी ने संभाल के छज्जे में रखा था। वो कमरा अच्छा, ओ हाँ, एक ये है आपका कमरा और ये हमारा नींबू का पौधा। इसके यहाँ पे किराएदार आया है, हिल्ली। अच्छा, और बाथरूम कॉमन है? नहीं, वैसे कॉमन नहीं है, मतलब दो दरवाजे हैं, तो ध्यान से। मजबूत है। तो वो किराएदार का नोटिस निकाल दें? अच्छा, वो अभी दूसरी चाबी तो नहीं है, ये हमारी चाबी रखिए, हम दूसरी चाबी का इंतजाम करते हैं। किराएदार मिल गया है, पुलिस वाला है। हाँ हाँ हाँ, उसका कमरा अलग से ही है। नहीं हाँ, शरीफ ही दिखता है। अच्छा सुनिए, आपके पास वो जो दूसरा चाबी का गुच्छा है वो हमें चाहिए, हम छोटा छोटा खर्चा भी बचा रहे हैं। नहीं, उसे घर की टूट फूट के बारे में कुछ नहीं पता अभी। नहीं नहीं गुंजन जी, आपसे तो पैसों का प्रश्न ही नहीं उठता बिल्कुल। नहीं, लंच वगैरह रहने दीजिए। मछली? अगले 7 जन्म तक हम मछली ना खाएं? हमें तो मखनऊ पसंद है। अभी अभी उसे प्लस का पता चला है, उसे क्या मालूम कि घर में तो गीजर, सिंक वाले नल का टपकता पानी,
गैलरी की बत्ती, गैस लाइटर, खिड़की का शटर, सबकी हालत खस्ता है। अच्छा हाँ, चाबियां कल 4 बजे। बाय बाय। Hello? Guess who's behind you? Oh, hello. Chipku. Chipku. Mangal grah chalegi. Main ja raha hu. सन के नियम। क्या बात है गुरु, इतनी खुशी? मैं किराएदार ना हुआ, पर्सनल त्योहार हो गया? नहीं बस बहुत दिनों बाद बाहर गए थे ना इसलिए। ओह, तो दुआ सलाम तो होती होगी ना हवलदार जी से? नहीं कहा, हम तो बस काम से काम ही रखते हैं। अच्छा मारो गोली हवलदार को। ये बताओ कब तक सिंगल आई रहोगी? अब तो लौंडेबाजी कर लो, इतने सारे डेटिंग ऐप हैं आजकल, एक स्वाइप मारो लड़का मिल जाएगा। हमें कहाँ ये सब चलाना आता है। अरे ट्राई तो करो, खुद पता चल जाएगा। बना दूँ? कोई तुम्हारे फोन में एक ही लड़का तो है नहीं। वो तो है, हमें तो डीपी देखते ही खबर। डीपी? डीपी माय क्यूटी। फोटो देखकर ही खबर लग जाती है कि लौंडा कामयाब है या निकम्मा। और तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं मिस्टर सब संभाल लेगी। अब तुम्हारा एक बढ़िया सा फोटो लेकर आधार कार्ड वाला एक्सप्रेशन चेप रखा है थोबड़े पे, जरा चेको, मुस्कुराओ, खुश दिखो, तभी तो बढ़िया डीपी आएगा। हाँ जी। छे, अरे यार बकवास, एकदम फालतू।
सोच सकते हैं। It's a match. सुनील, अरे, हाय, क्या सुनील बाबू कहाँ, सब ठीक है? क्या पता नहीं ये अलमारी में बैठ के करता क्या है? मेरा बीपी थोड़ा बढ़ जाता है ना तो मैं वैसे चाय पी लेंगे तो हो जाएगा। ले लो चाय। ठीक तो पी लीजिए। यहाँ तो क्यूट लग रहा है ना। लो जी हो गया तुम्हारा। इतनी जल्दी? और नहीं तो क्या, जाओ आज ही जाके मिल लो, चट मंगनी पट ब्याह। नहीं नहीं इतनी भी खुजली नहीं हो रही है हमें, परसों का कह दो। ओके। अनोखे तरीकों से कपड़े पहनना सीखिए। एक पोशाक से हो सकता है आपके व्यक्तित्व का काया पलट। लाल रंग हर किसी पे फपता है। अपनी वार्डरोब में एक लाल ड्रेस जरूर शामिल करें। वाह वाह हमारी अम्मी जान की साड़ी की किस्मत तो देखो, पहले तो बक्से में पड़ी रही, फिर इससे पर्दे बने और अब इस पर्दे से लल्लो का लिबास बन रहा है। ये एक कप ज्यादा बन गई थी। बहुत शुक्रिया, आप चाय बना लेते हैं। विक्रम जी ये चोर ये पुलिस की नौकरी है, ऐसे तो चलते रहता है। क्या देख रहे हैं आप? मैं कुछ न्यूज देख सकता हूँ? हाँ चैनल लग जाए तो देख लीजिए। आप भी आइए, आपके भाइयों को भी लाइए, उनके बहनों, मम्मा, पापा, मम्मी, अब्बा।
आत्मा, सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो रही हैं। सुहानी ठीक ही कहती थी, हमारी किस्मत इतनी भी फिसड्डी नहीं है। कीचड़ का पानी। महाकाल वैद्य जी, स्पीड पोस्ट आया है। हंसता रहेगा, कुछ बोलेगा भी। वो चाहिए था। यो चाहिए ऐसा बोलना सिराजीत रसायन, वैसे तो सूंघने से ही काम हो जाता है, लेकिन ध्यान रखियो एक से दो मत करियो, नहीं तो हमारा जवाबदारी नहीं है। हाँ लो। अपने फीचरों को इन्हांस कीजिए थोड़े से मेकअप के साथ। याद रखिए थोड़ा काफी है, और सबसे बड़ा श्रृंगार आपका आत्मविश्वास। आत्मा, हम कैसे लग रहे हैं? आईना देखने वाले देखा तूने? आईना देख रहा है तुझे हैरान होकर। और एक आखिरी बात, पुरुष के लिए एक रहस्य बन के रहो। अपने आकर्षण को उन पुरुषों पर पहले आजमाओ जिन्हें आप आकर्षित नहीं करना चाहते हो। ट्रायल। आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी नहीं है जितनी आप असलियत में हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत है। रजनीगंधा प्रतीक है कल्पना का।
और रहस्य का भी होता है नहीं? ये आप डेटिंग ऐप पे कब से हैं? वो सुहानी हमारी दोस्त, उसने कहा तो हम ट्राई कर रहे हैं। आपको पढ़ने का बहुत शौक है नहीं? कौन सी किताब पढ़ते हैं आप? मस्त लगती है पढ़ने में, हनुमान चालीसा रोज पढ़ देते हैं। अच्छा। कुछ चाय कॉफी लेंगे? नहीं, वो हम बाहर से ज्यादा कुछ खाते पीते नहीं ना, तो आप तो हम चाय अच्छी बनाते हैं, आपके लिए बनाएंगे ना फिर चाय, घर पे चाय बनाते हैं आपके लिए। सीधे घर? वो जूते? हाँ। संभाल के आंटी जी, आप बैठिए, हम चाय का पानी चढ़ा के आते हैं। हाँ। नहीं आप जी, नहीं चले। अरे ट्राई तो करिए, चलिए अब तो डाल दी। बेस लगता है आपको म्यूजिक का बहुत शौक है। ये मेरे दोस्त का हिट गाना है। परवाना गाए गाना है इसकी या जुर्माना, होता है उसका कबाड़ा जिस जिसने दिल ये झाड़ा। जस मिली है फितरत है, गिर पड़ी सी किस्मत है, रोमियो तेरा बंटा धार जब चढ़ता है चढ़ता, धक धक करता लबका भूत, गड़बड़ करता लबका भूत, धक
मर्जी को मर्ज है क्या, सर्दी में सर्द है क्या, दिल किस पे आ जाए तो दुनिया को हर्ज है क्या, बड़ी बड़ी सी नफरत है, छोटे छोटे से मतलब है, रोमियो तेरा बंटा धार जब चढ़ता है चढ़ता, ठेंगा देता लपका भूत, मेंढक जैसा लपका भूत, बड़बड़ करता लपका भूत। पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से देखा है। समझदार जी ये ठीक नहीं है। समझदार जी हाय हाय हो गया बंटाधार, एक और आशिक गया उस पर, अब हमारी लल्लू का क्या होगा। समझदार भी बड़ा ना समझ निकला, शीला जी को महादेव की प्रसादी समझ के दशक गया। हार्ट फेल। इसमें तापा की जायदाद पे नजर थी उसकी। कीट जैसा बड़ा चश्मा लगा के घूमता था अपने सर पे। लोमड़ी है लोमड़ी। मैं बात करता रहता था कमरे में। एक ठोस सबूत मिला है, 3 हफ्ते और 3 लोग स्वर्गवास। अरे सुन, अपना मंगल लेके घर ना आ जाए। सच में एक एक करके उसके सारे प्रेमी मर जाते और हमारे साथ भी। लाल परी, हमें लाल परी के बारे में सब कुछ जान। हम होते तो नजर का टीका लगा देते अपनी लल्लू को, लल्लू की जिंदगी में सच्चे आशिक मिल रहे हैं या नहीं। पर ललिया, इस खामा खा की तवज्जो से बचकर रहना दुनिया की बड़ी बुरी नजर है। लल्लो हमारी बेचैन है, डूबने वाले को तिनके का सहारा। अब ये पहुंची जाकर के नगर पुस्तकालय की इंचार्ज, शहर की मशहूर ज्योतिषी अंतर्यामी मल्टीपर्पज जो लेडी है उनके पास, शायद ये लल्लो को कोई रास्ता वास्ता दिखा दे। हमें परियों की किताब। बहन तुम पर पिशाच दृष्टि है। पिशाच नहीं, हमें परियों की कहानी जाननी है। अरे पिशाच लोगों की असुरक्षा की भावना को भोजन की तरह खाते हैं। हाँ पिशाच है हमारे साथ, लेकिन हमें लाल परी के बारे में जानना है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? कोई हमारी बात क्यों नहीं समझता? देवी जी आपका दुपट्टा जी, देवी जी आपका दुपट्टा। हेलो जी, हेलो जी, आत्मा तुम कहाँ हो? आत्मा हमें छोड़ के क्यों चले गए?
चले जाओ, भगवान के लिए यहां से चले जाओ, आपकी जान को खतरा। ना ना वो नहीं, खाना है तो ये खाइए। चना, इससे हमें कब्ज हो जाती है। हेलो जी, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। परेशानी? परेशानी नहीं, भाग खराब है हमारा, किस्मत फूटी है। देखिए, भाग्य और ग्रहों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर एक सही आदमी गलत टाइम पे गलत जगह फंस जाए तो लोग उसे भी अपराधी समझ लेते हैं। विक्रम जी, अगर अभी की बात होती तो मान लेते कि हमारी किस्मत का दोष नहीं है, लेकिन हमारे साथ तो बचपन से ही सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल लाल परी के जैसे। अच्छा एक बात बताइए, ये पढ़ी है आपने किताब पूरी? हाँ, एक बार पढ़ी है। आपको पक्का यकीन है इस किताब पे? हाँ, हमारे साथ वही हो रहा है जो लाल परी के साथ होता है, कोई कोई एक नजर प्यार से देख भर लेता है बस। राम राम सत्य, किस्मत तो आपकी अच्छी है जो आप हमारे प्यार में नहीं पड़े, ज्यादा इमोशनल हो जाते तो बस। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, आपने ये किताब पूरी पढ़ी है? हाँ, पहली बार में ही पढ़ ली थी, और इसका चित्र तो हम रोज देखते हैं, ये कितना सुंदर है। चित्र तो याद है आपको, लेकिन कहानी नहीं। प्रेम से बड़ी दूसरी कोई औषधि नहीं, लाल परी के टूटे दिल को एक सच्चा और निस्वार्थ प्रेमी ही जोड़ सकता है, और ऐसा होते ही उसका अभिशाप वरदान में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर ये भी हो सकता है कि इस आखिरी फटे पन्ने में लाल परी का अभिशाप टूट गया हो, और हमारा अभिशाप भी सच्चा प्रेमी, बस अब कहीं कहीं से वो मिल जाए। आओ, ये देखिए, ये क्या है? गुरु? चला गुरु, चला। मामूली सी बात है, लेकिन नजरिया बदलते ही हर बात के मायने बदल जाते हैं। फिर तो खोजो तो ख्वाजा भी मिल सकता है। चीज है ये, देखे ये इल्ली कहां से उठा ला है? वही क्राइम सीन पे। वो आपकी इल्ली अकेली है ना, उसको साथ मिल जाएगा।
हेलो। अरे व्योमके, कहाँ मर गया? बस सर, निकल रहा हूँ घर से। तू तो घर में ही घुस गया? जी सर। अच्छा सुन, जल्दी से स्टेशन आ और आते वक्त मेरी चाय के लिए नींबू लेकर आना। नींबू? हाँ ठीक है सर। अरे सॉरी सॉरी, तुमने इतनी बार कॉल किया यार। मैं पुकारा और हम चले आए जा रही हो कहीं? एक मिनट अंदर चल, प्लीज प्लीज ना चलो। स्वानी प्लीज, मेरे एक्चुअली क्या है ना, वो बहुत जोर की आ रही है, पैंट भी निकल जाएगी। स्वानी आई एम सीरियस। जोया का किस्सा खत्म। स्वानी स्वानी विक्रम जी, मेरा दिल किसी और का गुलाम है, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। आशा है आप समझने की कोशिश करेंगे। आपकी ना हो सके अपनी कमल। प्लस चलने लगा विक्रम जी। विक्रम, प्रेम गुंजन जी, आप मैं तो बस कब प्लस ठीक करने आए थे और आप चोरी छुपे घर की मरम्मत कर रहे हैं? कहाँ चली गई? कौन? लल्लू। ये कौन है? हम ही तो हैं। चिपकू, मेरा मतलब है, बट लल्लू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रही है यार। हमारे बारे में ऐसा मत कहिए, अगर आपको कुछ हो गया तो। अरे जो होगा देखा जाएगा, क्या हो जाएगा। हमारे लिए? Yes. Why not? एक बात बताओ कि आज शाम को तुम क्या कर रहे? चाय, आप चाय पिए? चाय? चाय कहाँ से आ गई यार? आज शाम में तुम और मैं पार्टी। हाँ
8 बजे शार्प। फैंटास्टिक। This low? It does nothing. True. It is nothing. Zoya, वो तुम्हारे हस्बैंड वहाँ पे तुम्हें ढूंढ रहे थे कहीं? मेरा हस्बैंड तो फिलहाल टाउन में है ही नहीं। मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वाली गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ, ऐसी बहुत सारी लड़कियां मरती रहती हैं, उसमें मैं क्या करूं? मरने का नाम मत लीजिए। अगर आपको कुछ हो गया ना तो कुछ नहीं होगा, और वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं। और आज मुझे कुछ नहीं हुआ, आज मेरी बर्थडे पार्टी है। आज आपका जन्मदिन है? आपने बताया क्यों नहीं हम कुछ ले आते? मैं और तुम यहाँ पे आ गए ना, उतना काफी है। चीज क्या हुआ, जगह अच्छी नहीं लगी? ये भी अच्छी जगह नहीं है। लो, पहले बोलना चाहिए था। चलते हैं यहाँ से, चल। देखा, जिंदा बच गया ना। चाय वगैरह नहीं है? प्रेम जी Move!
ज्यादा डर तो नहीं लगा ना? हमें लगा आप तो ऊपर चले चले तो गए थे, लेकिन इतने प्यार से बुलाया तो आना पड़ा नीचे। देखो प्रेम जी, तुम्हारा ऐसा मजाक हमारे साथ मत करना। देखो लल्लू जी, प्लीज अब कभी चाय के बारे में मत पूछना हमसे। ध्यान से आंटी जी। Music, but not for dance. मैं कुछ चलाता हूँ। ओके नहीं तुम ठीक कह रही हो, लेट भी बहुत हो गया, मैं चलता हूँ। प्रेम जी। यस। हम जानते हैं आपने हमारी जी तोड़ मदद की है। पहले ये घर हमारे नाम करवाया, फिर लुक छुप घर की मरम्मत की, सिंक वाले नल का टपकता पानी, खिड़की का सटर, गीजर, गैस लाइटर, आपने सब ठीक कर दिया बिना बताए, बिना किसी स्वार्थ के। आपने बेहद किया है। हम जानते हैं कि आप हमारे करीब आना चाहते हैं, हमें भी शायद इसी दिन का इंतजार था, लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा हुए इससे पहले एक प्यार की तमन्ना की थी, वो भी साहब में बदल गई। हमें नहीं पता कि हम मांगलिक हैं, लाल परी हैं या किस्मत की मारी, लेकिन अगर हमारी वजह से आपको कुछ हो गया तो हमारे प्यार को मन चाहे मंजिल, मन चाहे समय पे मिल जाए, इसके लिए आपको ठहरना होगा। इस अकेलेपन के अभी साहब को सच्चा प्रेम ही तोड़ सकता। ये मांगलिक क्या होता है? प्रेम की तलाश में शायद प्रेम में हारी, प्रेम की मारी लल्लो को अंत में कहीं प्रेम मिल ही जाए। खैर, आफते इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।
मंगलयान, क्योंकि तुम मंगल से आई हो। मेरे साथ आकाश गंगा की सैर पे चलोगी? हमारे प्यार को मन चाहे मंजिल, मन चाहे समय पे मिल जाए, उसके लिए आपको ठहरना होगा। अभी अभी तुम्हारा शो है, शो कैसे छोड़ दे? अर्जेंट है तो नगर लेंगे। अकेलेपन के अभिशाप को सच्चा प्रेम ही तोड़ सकता है। पहल भी चलने लगा प्रेम जीना। अरे आ रही हूं। गुंजन जी, प्रेम फिर से मजा। प्रेम जी, प्रेम तुम्हारा कहना माने तो बहू जी तो ऐसे ही गिर के मारी रही, और फिर वो प्रताप बाय चांस मछली का कांटा घटक गया, और फिर सुनील खुद ही शिलाजीत खा गया। इन सबों की मौत महज हादसा थी, और फिर वो प्रेम गुंजन उसे तो किसी ने गलती में मार दिया तफरी में, ठीक आपके दरवाजे के सामने। क्या वजह क्या है कि इतनी सारी मौतें आप ही के इर्द गिर्द हो रही है? और फिर वो हवालदार विक्रम, उस दुर्घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लाल परी हैं। समित वो समा जो खुद तो चली जाएगी।
जो पास है वो परवाना भी खाक हो जाएगा। अबे ये चुटचुट बंद करवाओ कोई गुरु। अच्छा तो क्या कह रही थी तुम कि तुम परी हो? तो तुम्हें क्या लगता है हम सब यहाँ अभी वैशाल बैठे हैं? वो हवलदार तो गया तुम्हारे चक्करों में, कुछ तो बहुत बड़ा खेल खेल रही हो तुम देवी जी। ओ माननीय श्री विक्रम कमल आप जिंदा हैं? अरे भाई एक मर्डर चार्ज कम करो सर प्लीज। बोल। लल्लो निर्दोष है सर। निर्दोष फिर से? सर ये हत्यारे की उंगलियों के निशान, घर की सीढ़ियों पर भी इसके हाथ के निशान पाए गए हैं सर। हमारे डाटाबेस से टैली करना है बस। और सर ये लल्लो के फोन के डिटेल्स, प्रेम की मौत के समय वहां से कोई कॉल नहीं हुआ सर, और ना ही उसके 2 सप्ताह पहले मिली। ये क्या? ये लल्लो की चप्पल सर। मैं लल्लो को घर ले जा रहा हूँ, आशा करता हूँ आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे। जाओ जाओ। खाओगी? चाय बना दूं? कुछ भी? नहीं। हमें मकलूब से क्रोसान खाने का दिल कर रहा है। मैं दूं? हालत ठीक नहीं है, मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं हम ठीक हैं विक्रम जी, आपने हमारे लिए बहुत किया है, बस ये आखिरी। आखिरी क्यों बोल रहे? जितनी बार कहोगे उतनी बार ले आऊंगा। रिली चीज के साथ अमूल चलेगा। Thank you.
आत्मा। तू मेरी जान मेरा अरमान तू ही हम, है। हम मर गए क्या? 100% 100% मुर्दा। तुम बोल सकते हो? बोल, यहाँ तो हम अष्टाध्यायी का पाठ भी कर सकते हैं। तुम घाट पार से हो। तुम घाट को छोड़ो और ये जान लो कि हमाओं से ज्यादा प्रेम करने वाला नहीं ना मिलेगा तुमको, ना वो दुनिया में ना यहाँ। हेलो जी, हेलो हेलो, कपड़ों का जादू तुम पे भी चल गया। बोरा गई हो क्या? अरे जब से तुम हमारा फोन उठा के चल दी थी, हम भी तुम्हारे पीछे लिपट लिए, कमर हिलाई के? देखो आत्मा, हमारे प्यार में पड़ने की सोचना भी मत। पता है ना कि हम लाल परी हैं। अरे हम भी तो यही कह रहा हूं कि तुम लाल परी हो और हम तुम्हारे मुक्तिदाता, अल्टीमेट आसिक पिशाच। वो लाल परी की किताब में तो हाँ यही तो लिखा था कि उसके सारे प्रेमी मर जाते हैं, और जैसे शोक सुंदरी ने आत्महत्या की वैसे तुमने भी। तो लेकिन शोक सुंदरी के प्रेमी ने तो उसे धोखा दिया था ना, प्रेम जी तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। प्रेम गुंजन, अरे वो जोया के साथ रंगरलिया मना रहा था पुड़बक। हेलो, तेरा नाम जोकर? अर्जेंट है। प्रेम जी, मामूली सी बात है लेकिन नजरिया बदलते ही हर बात के मायने बदल जाते हैं। विक्रम, कहानी का अंत पता है? हाँ, वो लाल परी खुदकुशी कर लेती है और क्या। अब हमें लाल परी जैसे सच्चे प्रेम की कोई उम्मीद नहीं है। अब सच्चा प्यार हम ही तो हूँ। 10 साल से तुम्हारे पीछे साई की तरह चिपके हुए हैं, तुम्हारा अच्छा बुरा सब देखा हूं। देखो आत्मा, हमारे प्यार में पड़ने की सोचना भी मत। हमें तो यह भी नहीं पता कि अगर कोई प्रेत प्रेमी हो जाए तो उसका क्या असर होता है। तुम एक ही तो दोस्त बचे। दोस्त दोस्त नहीं है हम, हम चाहते हैं तुमको। हम जानते हैं कि तुम विक्रम के बारे में सोच रही हो, पर अब उसका वक्त आ गया है। जैसे एक एक करके सब काल के मुंह में समा गए, वो भी नहीं बचेगा। तुमने सबको मारा है हमारा प्यार पाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, और पहली मौत तो किसी आशिक की नहीं, वो नारद मुनि बहुजी की थी जिसने ईगुल फार्म का आइडिया तुम्हारे मस्तिष्क में घुसेड़ा। अरे अभी भी नहीं है बाबा। उसके बाद नजर पड़ी दुर्घटना बड़ी, किताब वाला, कबाड़ी वाला, पोस्ट मास्टर सब, मगर वो तुम्हारा हवलदार।
कट जान है, बहुत ही इज्जत करता है तुमसे। हमें जाना होगा, जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला जो हमें सच्चा प्यार करता है। कोई मजनू का कजन हमसे हमारा प्यार नहीं छीन सकता। और ध्यान से सुनो, तुम वो हवलदार को भूल जाओ, डिलीट कर दो अपनी मेमोरी से। नहीं तो सोच लीजो, जो थोड़ा बहुत भी जान बची है वो हवलदार में। आत्मा, विक्रम को कुछ मत कर। अगर हम तुम्हें अपना मान ले और यही रुक जाए तो विक्रम को। तो हवलदार रिटायर होकर नौकरी छोड़ेगा? प्रॉमिस। ठीक है, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। विक्रम को जाने दो। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो भाई फटे पन्ने में लिखा था कि प्रेमी के साथ साथ लाल परी को स्वयं भी निस्वार्थ प्रेम करना होगा, तभी शाप से मुक्ति संभव है। आखिरकार लल्लो को वो ख्वाबों की कश्ती मिली गई जिसमें वो अपने गुलफाम विक्रम को साथ बैठाकर अपने बचपन के घर जा रही है। हाय हाय, ये लल्लो की नाव का माजी तो आत्मा रामी है, वर्जन 2.0। ये ना घर का रहा ना घाट का, प्रेमियों का त्रिशंकु बन के रह गया पिशाच आत्मा। मगर ये सुधरेगा नहीं आत्मा। चिंता ना करना ललिया, हम मर गए तो क्या, जिंदगी भर तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। बस जो कह दिया सो कह दिया। और आपको तो हम देख लेंगे, मेरा मतलब आपसे हम फिर मिलेंगे, डरिएगा मत। जब
जब जब चढ़ता लव का भूत, गड़बड़ करता लव का भूत, धक धक चढ़ता लव का भूत। मसले की जगलिंग है, हालत अपनी टाइट है, लेकिन क्यों ढीली सी फीलिंग है। मर्जी को मर्ज है क्या, सर्दी में सर्द है क्या, दिल किसी पे आ जाए तो दुनिया को हर्ज है क्या। बड़ी बड़ी सी नफरत है, छोटे छोटे से मतलब है, रोमियो तेरा बंटा धार। जब चढ़ता हाई चढ़ता, जब जब चढ़ता लव का भूत, ठेंगा देता लव का भूत, मेंढक जैसा लव का भूत, बुड़ बुड़ करता लव का। इंस्टा पे दिल हर दिन है, नैया चाहे डूबी हो पर डीपी अपना स्माइलिंग है। है आफत इश्क ये क्या, लगे प्यारा दर्द ये क्या, पल पल ये इश्क में मरकर जी पाया आशिक क्या। गड़बड़ सी हालत है, ठीक ठाक ये सूरत है, रोमियो तेरा बंटा दार। जब चढ़ता हाई चढ़ता, जब जब चढ़ता लव का भूत, ठेंगा देता लव का भूत।